Go Buster! बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों? कहानियों की एक पुस्तक। बस्टर चाहता है मम्मी उसके लिए पढ़े। बस्टर को एक अच्छी परी कथा पसंद है। मम्मी बस्टर को गोल्डीलॉक और तीन भालुओं की कहानी पढ़कर सुना रही हैं। जब भालू बाहर गए हुए थे, गोल्डीलॉक खिड़की के पास आई। उसने उनका दलिया खाया, पर पहला कटोरा बहुत गर्म था। बस्टर को यह बहुत मजेदार लगा। पर समय देखो, मम्मी पूरा दिन नहीं पढ़ सकती। बस्टर को बुरा लग रहा है। वो जानना चाहता है कि कहानी में आगे क्या हुआ। पर मम्मी जानती है क्या करना चाहिए। शायद दादाजी बस्टर के लिए पढ़ सकते हैं। दादाजी बाहर पौधों को पानी दे रहे हैं, पर बस्टर चाहता है कि वो कहानियों की पुस्तक से पढ़कर सुनाए। हाँ, दादाजी उसके लिए थोड़ी देर पढ़ सकते हैं। उसे महान दुस्साहस और बहादुर नायकों की कहानियाँ अच्छी लगती है। अब क्या हो रहा है? गोल्डीलॉक एक मेज पर बैठती है और वो टूट जाता है। कितना मजेदार है। बस्टर को यह कहानी पसंद है। पर वो क्या है? मम्मी कह रही है कि रात्रि भोज का समय हो गया है, बाकी की कहानी को प्रतीक्षा करनी होगी। बस्टर रात्रि भोज में कुछ फिश फिंगर और सब्जियां खाता है, पर वह उन सबको बहुत तेजी से खा रहा है। वो जितना शीघ्र हो सके कहानी पर वापस जाना चाहता है। मम्मी और दादाजी अभी भी खा रहे हैं। वो अभी उसके लिए नहीं पढ़ सकते। बस्टर सच में जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ। देखो, वो स्वयं ही पढ़ने का यत्न कर रहा है। वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता, पर वो सच में बहुत यत्न कर रहा है। वाह वाह कर रहा है। मम्मी और दादाजी उससे बहुत खुश है। अच्छा काम बस्टर। पर ओ प्रिय, अब उसे नींद भी आ रही है। मम्मी बस्टर के लिए पुस्तक को सोने के समय की कहानी के रूप में पढ़ रही है। अब गोल्डीलॉक भालुओं के बिस्तर में सोई हुई है, पर फिर ओह देखो, बस्टर सो गया है। ओह, उसका दिन इतना व्यस्त था, वो अंत तक जाग नहीं सका। शुभ रात्रि बस्टर। बस्टर, मम्मी बस और एश सॉफ्ट खेल केंद्र पर है। कितना मजेदार है। लगता है बस्टर बड़े बच्चों के क्षेत्र में खेलना चाहता है, पर वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। वाह, यह अद्भुत है। एश बहुत उत्साहित है, पर बस्टर सोचता है कि वह सॉफ्ट खेल खेलने के लिए बहुत बड़ा है। वे बहुत मजा कर रहे हैं। वो जाते देखो, पर बस्टर साथ नहीं जाना चाहता। आप एक ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हैं। यह तो बहुत मजेदार दिख रहा है बस्टर। नहीं, वह अभी भी खेलने नहीं जा रहा। एश किससे दूर भाग रही है? ओह देखो, यह कप्तान मम्मी है। जल्दी भाग जाओ एश। भाई गेंद के गड्ढे में छिप गया है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। अब बस्टर भी जाना चाहता है। जल्दी, कप्तान तुम्हें पकड़ लेगा। गो बस्टर। अब बस्टर सच में इसमें लगा हुआ है। ओहो मेरे प्यारो, वो क्या था? आहा, पकड़ लिया। यह पायरेट बस्टर और पायरेट एश है बचाव के लिए। भाग जाओ। उनको जाते देखो। ध्यान से कप्तान मम्मी, पायरेट बस्टर और पायरेट एश ने आज बचा लिया। देखो बस्टर, सॉफ्ट खेल केंद्र अंत में बहुत मजेदार था। कितना चमकीला नया दिन है। ओ देखो, ये डिग्री और सीजे हैं। वे सीजे के मिक्सर को पानी से भर रहे हैं। ये दोनों क्या करने वाले हैं? देखो, वो रहे बस्टर स्काउट। फ्यू, कितना गर्मी भरा दिन है। मैं सोच रही हूँ वो ठंडा होने के लिए क्या कर सकते हैं। वो डिग्री और सीजे रंगीन पानी के गुब्बारे बना रहे हैं। लगता है बस्टर स्काउट को युक्ति सूझी। गुब्बारों की लड़ाई। रेडी स्टेडी और वो चले। बस्टर स्काउट क्या योजना बना रहे हैं? ओ देखो, डिग्री और सीजे उनके पीछे से आ रहे हैं। और स्प्लैश। ओह ओह, स्काउट को लग गई है।
और ये लगा निशाना। अब ये मजेदार हो रहा है। पर झाड़ियों में कौन छिप रहा है? यह स्काउट है। पर वह समय पर छिप गई। अच्छा किया स्काउट। यह सीजे का दूसरा अवसर है। पर देखो, बड़ा बस्टर, वह पीछे से सीजे को भिगो देता है। जल्दी बस्टर। ओ नहीं, सीजे और डिग्डी ने बस्टर और स्काउट को घेर लिया है। अब वो क्या करेंगे? आह, एक छाता। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। सीजे और डिग्डी निशाना साधते हैं, पर बस्टर छाते के कारण सूखा है। बहुत अच्छी युक्ति बस्टर। डिग्डी और सीजे पुनः भर रहे हैं। वो उस गुब्बारे का आकार तो देखो, वो बहुत बड़ा स्प्लैश करेगा। लगता है बस्टर मुसीबत में है। वाह, अच्छा शॉट बस्टर, यह बहुत ही मजेदार था। बस्टर और डिग्डी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। व्रूम व्रूम, इसे जाते देखो। देखो वो रही मम्मी, वो उनको बताने आई है कि लंच तैयार है। और बस्टर को याद दिला रही है कि अपने खिलौने संभाल कर रख दे। बस्टर कंट्रोलर को रख रहा है, पर देखो कार अभी भी बाहर है। अब बस्टर और डिग्डी खेलने के लिए वापस आ गए हैं, पर ओ नहीं, उनको खिलौना कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? क्या यह खिलौनों के डिब्बे में हो सकती है? नहीं, हो सकता है बिन में हो। नहीं, हो सकता है झड़े पत्तों के नीचे हो। यह यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मास्टर के पास एक योजना है। यदि वो कार का कंट्रोल उपयोग करे, सुनो, कार का इंजन है। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्तों के उस ढेर के नीचे से। हुरे! उनको खिलौना कार मिल गई। पर रुको, अब कंट्रोलर नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? ओ, ये रहा। बढ़िया ढूंढा बस्टर। अब डिग्डी और बस्टर अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हुए फिर से मजा कर सकते हैं। पर इस बार उन्हें अपने खिलौनों को खिलौने के डिब्बे में डालना याद रखना होगा जब वो बंद करना चाहें। अच्छा किया। बस्टर, स्काउट, बैंडिट और एश एक रेस लगा रहे हैं। बस्टर और बैंडिट साथ साथ दौड़ रहे हैं, पर स्काउट आगे निकल गई है। वूश, स्काउट जीत गई। अच्छा काम स्काउट, वह सच में बहुत तेज है। वो कैसी ध्वनि है? थंडर, एक तूफान आ रहा है। उन्हें छिप जाना चाहिए, वरना वे सभी भीग जाएंगे। वो ऐश कीचड़ से लग गया उस पोखर में से फिसलते हुए। एक मिनट रुको, इससे बस्टर को एक युक्ति सूझी। उन पोखरों में से फिसलना बहुत मजेदार है। वे खेल खेल सकते हैं। देखे कौन अधिक दूर तक फिसलता है। कितना अच्छा विचार है। सबसे पहले बैंडिट जा रहा है। स्विश, वह वहां तक फिसला, पर स्काउट मानती है कि वह इससे बेहतर कर सकती है। रूम, वो स्काउट बैंडिट से भी आगे गई। अब ऐश की बारी है। ऐश इतना छोटा है कि वह गोल गोल घूम रहा है। उसका सर चकरा रहा है, पर वह अभी तक सबसे आगे गया है। सबसे अंत में बस्टर है। वुश, ओहो, वो नियंत्रण से बाहर होकर फिसल रहा है। वो, उप्स, बस्टर ने मम्मी पर कीचड़ डाल दिया। लगता है सभी छोटे वाहनों के घर जाने का समय है। वे शीघ्र ही बस्टर के घर आ गए। पर रुको, वे अंदर नहीं जा सकते जब तक वे साफ ना हो जाएं।
मम्मी कीचड़ को उतारने के लिए होस का उपयोग करने जा रही है। स्प्लिश स्प्लैश। ये लो, अब वे चारों फिर से साफ है। पर फिर भी वो फिसलने वाली रेस बहुत मजेदार थी। ini hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coop pergi ke pantai. Mereka bermain bola voli. Dan lihat, Sham si hiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Sham. Astaga, bola itu meletus di gigi Sham. Ups, tapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam. Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Wush. Oh tidak. Lompatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Sham bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Sham. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Sham punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hore! Itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat, bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. Yah, Buster hai. Uthne ka samay ho gaya. Yah ek chamkila naya din hai. Dekho, mummy ne Buster ka nashta bana bhi liya. Toast par jam, Buster ka pasandida. Ouch! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओ नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है। पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी, अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं। साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए कहानी पढ़ती हैं। ओ शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। उन पेंट ब्रशों को देखो। आज बस्टर उसके मित्र बस्टर के कमरे में दीवारों को रंग रहे हैं। कितना मजेदार है। मम्मी बस उनके लिए ढेरों रंग के पेंट ला रही है। वे खिड़की के नीचे की दीवार पर रंग कर सकते हैं। बस्टर को कौन सा रंग चुनना चाहिए? स्काउट ने बैंगनी चुना है और एश ने लाल और बस्टर पीला, क्यों नहीं? आओ रंग करें। उप्स, एश ने स्काउट की जैसा करने के लिए एक लाल रंग पोत दिया और बस्टर ने पीला रंग पोत दिया। अद्भुत।
मैं सोच रही हूँ स्काउट पहले क्या पेंट करेगी। यह एक रॉकेट है। वाह अद्भुत। बस्टर की बारी है, वो क्या पेंट करेगा? एक बम्बलबी। अलमारी पर नहीं ऐश। अब भी पेंट लड़ाई कर रहे हैं। सभी सावधानी बरतो, वह पेंट बहुत गड़बड़ कर सकता है। ओह प्रिय, वे पेंट को सभी ओर लगा रहे हैं। क्या गड़बड़ी है। ओहो, पीला रंग सारे फर्श पर फैल गया है और अब बैंगनी भी। याइक्स। मम्मी बस सोच रही है कि यह हल्ला कैसा है। यह बहुत मजेदार था। ओ, उनको पता नहीं चला कि वे गड़बड़ कर रहे थे। पर बस्टर के पास एक युक्ति है। वे ऐश की होस से इसे साफ कर सकते हैं। पानी पेंट को साफ कर रहा है। अच्छा काम ऐश। ओह नहीं, मम्मी बस आ रही है और उन्होंने अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया। धुलाई का समय हो गया। ऐश बस्टर पर बौछार डाल रही है। स्प्लैश। अब स्काउट की बारी है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। और अंत में ऐश की। सभी ने अच्छा काम किया। वाह, कमरा पूरी तरह साफ दिख रहा है। ऐश और स्काउट के घर लौटने का समय हो गया है। ओह खैर, पूरी तरह से साफ नहीं। गॉडबस्टर। बस्टर और उसके मित्र समुद्र तट पर छुट्टी बिता रहे हैं। कितना मजेदार दिन है। वाह, समुद्र अद्भुत लग रहा है। वो क्या है पानी में? यह एक शार्क है। बस्टर बहुत डर गया है। उप्स, ध्यान से एगी। मम्मी बस समुद्र तट पर आराम कर रही है। बस्टर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्या देखा। उसके डरावने फिन्स थे और पानी से बाहर उछली थी। वह एक शार्क थी। मम्मी बस को कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बस्टर, सब कुछ ठीक है और मम्मी बस फिर से सोने जा रही है। बस्टर अभी भी बहुत डरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्या शार्क अभी भी वही है। ये एक शार्क है। गो बस्टर गो। ओप्स, फिर से नहीं। बस्टर अभी भी डरा हुआ है पर वो अपने डर को जीतना चाहता है। वो फिर से जा रहा है। वो रही शार्क। थोड़ा रुको, क्या गड़बड़ है? शार्क का एक दांत सूजा हुआ है और हिल रहा है, इसीलिए वो पानी से बाहर उछल रही थी। चिंता मत करो शार्क, बस्टर सहायता कर सकता है। वो मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा है। वो जाग गई है। उन्होंने अपनी बेड किट निकाली और मम्मी बस बचाव के लिए चली। याम याम। मम्मी बस शार्क का हिलता दांत निकाल रही है। वह बाहर आ गया। हुर्रे, शार्क को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया बस्टर, वह अपने मित्रों को दांत दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। बस्टर अपने घर के बाहर कुछ कीचड़ के पोखरों में स्प्लैश करते हुए मजा कर रहा है। देखो, यह दादा बस है। उप्स, अब ये दोनों कीचड़ से सने हैं। पर दादाजी के पास एक योजना है। वे बस्टर को कहां ले जा रहे हैं?
वे कार वॉश पर आए हैं धुलाई के लिए। हुरे! लगता है कार वॉश में बुलबुले समाप्त हो गए हैं। आहा, वो रहा साबुन। दादाजी थोड़ी पानी की धार लेते हैं और बस्टर कार वॉश को चला देता है। गो बस्टर गो। ठहरो दादा, बस यह तो बहुत अधिक साबुन हो गया। बस्टर साबुन के बुलबुलों में ढक गया है। कितना मजेदार था। अच्छा मजाक था दादाजी। अब दादाजी की बारी है साफ होने की। लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वह अपना बदला ले रहा है। दादाजी साबुन से ढके हैं। वे बहुत ही भोंदू लग रहे हैं। देखो टेरी ट्रैक्टर धुलाई के लिए आया है। वो धीरे करो बस्टर। बहुत अधिक साबुन है। बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ओ प्रिय, कैसे साबुन भरी गड़बड़ है। ओटिस बहुत खुश नहीं दिख रहा। सफाई करने का समय है। कितना मूर्खता भरा दिन था। आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिग्री। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश! मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। वो सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है। उसे और ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। वो रही एक मम्मी बतख। वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रहे टीचर भी। ओ नहीं, फिउ। डिगली और बस्टर के कारण बत्तख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। ओ, वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। ओ ओ, वो बत्तख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बत्तखें सड़क पर वापस आ रही हैं। बस्टर और डिगली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। एक मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यह एक बत्तखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बत्तख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। वो रहे टीचर फिर से। वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। चमकीला धूप वाला दिन है और बस्टर बाहर खेलना चाहता है। पर यह क्या है? उसने अपने खिलौने फर्श पर छोड़ दिए हैं। बस्टर जानता है उसे उनको उठाना चाहिए, पर वो सच में जाकर खेलना चाहता है। वो बस्टर शीघ्रता से सारे खिलौनों को उठा रहा है, पर अच्छे से नहीं। ओ प्रिय, उसने उस शीशे को तोड़ दिया और अब उसके पोंछने से चारों ओर पानी फैल गया। शीघ्र ही बस्टर बाहर खेल रहा है। वो क्या था? मम्मी पानी पर फिसल गई। ओ प्रिय, कमरा बहुत बिखरा हुआ है। बस्टर अच्छे से साफ ना करने के लिए दुखी है, पर वो इसे बेहतर कर सकता है। उसे केवल अच्छे से साफ करना होगा।
और अच्छे से करने के लिए समय निकालना होगा। मम्मी और बस्टर इसे एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि यह कोई खेल हो। काम करना बहुत सरल हो जाता है जब तुम उन्हें करने में मजा ढूंढ लो, और वो तीव्रता से होते हैं यदि तुम साथ साथ करो। ये लो, बस्टर उस ड्रिंक को भी साफ कर रहा है जो उसने गिरा दिया था। उत्तम, कमरा अब साफ लग रहा है। अब मम्मी और बस्टर गेंद से साथ साथ खेल सकते हैं। हुर्रे! स्कूल के खेल के मैदान में खिली धूप वाला दिन है, और बस्टर व स्काउट साथ साथ चित्र बना रहे हैं। ओहो, लगता है उन दोनों को नहीं लग रहे होने चाहिए। बस्टर उसे छीन लेता है, और अब स्काउट उसे वापस छीनने में लगी है। इससे बस्टर और बैंडिट को एक मजेदार खेल सूझता है जो वे सभी साथ साथ खेल सकते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग करके इसका नाम है सिपाही और चोर। बस्टर और बैंडिट चोर है, और एश व स्काउट सिपाही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए। वो चले, पीछा करना चालू हो गया है। बस्टर और बैंडिट अलग हो रहे हैं। ओ नहीं, बैंडिट गिर गया है। आहा, उसके पास एक युक्ति है। वो कहाँ चला गया? थोड़ा रुको, ये डब्बा हिल रहा है। जल्दी करो ऐश, तुम उसे पकड़ सकती हो। वो स्वर्ग पर कूद रहा है। गो बस्टर! मैं सोच रही हूँ क्या बस्टर और बैंडिट बचकर निकल जाएंगे। वो सभी बहुत पास पहुँच गए हैं। ध्यान से! बस्टर और बैंडिट सीधे जेल में चले गए। सिपाही स्काउट और एश के लिए हुर्रे! रे ऑन देने की बारी है बस्टर। ये बहुत मजेदार था। कितना बढ़िया खेल है। अब अंत में स्काउट अपना चित्र समाप्त कर सकती है। बस्टर और बैंडिट जा सकते हैं। कितना मजेदार खेलने का समय था। बस्टर और दादाजी सुपरमार्केट में खरीदी करने जा रहे हैं। यह रही खरीदी सूची। गाजरें, स्वीट कॉर्न और एक नई सॉकर गेंद। बस्टर नई सॉकर गेंद के लिए बहुत उतावला है, पर दादाजी उसे याद दिलाते हैं कि पहले उन्हें बाकी सारी वस्तुएं लेनी है। शुरू करते हैं गाजरों से। बस्टर भागता है, पर क्या यह सही है? दादाजी इतने धीरे से चल रहे हैं। बस्टर ने केला उठा लिया है, गाजर नहीं। वह इतनी तेजी कर रहा है कि ध्यान नहीं दे पा रहा। वो रहे। अच्छा काम बस्टर। अब स्वीट कॉर्न उसने ढूंढ लिया। वूप्स, ध्यान से बस्टर, सारे कैनिस्टर गिर सकते हैं। वेव, ठीक बचा लिया दादाजी। आगे, ये सॉकर गेंद। बस्टर आगे बढ़ रहा है सॉकर गेंद को ढूंढने के लिए, पर रुको, दादाजी पीछे रह गए हैं। वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। ओ नहीं, बस्टर और दादाजी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। बस्टर ढूंढने में लगा है, पर कोई लाभ नहीं। बेचारा बस्टर खो गया है और चिंतित हो रहा है। देखो, यह ऐश और उसकी मम्मी है, कोई ऐसा जिन्हें बस्टर जानता है। अच्छा हुआ उसने उन्हें ढूंढ लिया। वे दादाजी के पास जाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। आखिरकार बस्टर दादाजी के पास सुरक्षित वापस आ गया।
वह जानता है उसे भागकर इतनी आगे नहीं जाना चाहिए था। वह क्षमा मांग रहा है पर दादाजी उसे क्षमा कर देते हैं। और यह रही नई सॉकर गेम। हुर्रे! बस्टर के स्कूल जाने का समय है। उसे अपना पैक किया दोपहर का खाना नहीं भूलना चाहिए। वो रही स्काउट, वो देर नहीं करना चाहते। पर वो कौन है? एक छोटा फायर ट्रक। बस्टर हेलो बोल रहा है। स्कूल में टीचर के पास एक नया आश्चर्य है। यह एश है, वो स्कूल में नया बच्चा है। वो उनकी कक्षा में ही पढ़ेगा। एश बस्टर के पास जा रहा है क्योंकि उसने हेलो बोला था। वो अभी से एक नया मित्र बनाने से उत्साहित है। आज बच्चे पार्किंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। टीचर उन्हें बता रहे हैं कि ठीक ढंग से कैसे करना चाहिए। अब उनकी प्रयास करने की बारी है। स्काउट ने कर लिया और बस्टर। ओ, एश अपने नए मित्र के बहुत पास लग रहा है। वो जहां भी जाए बस्टर के ही पीछे जा रहा है। वो समझ नहीं रहा है कि बस्टर पार्क करने का प्रयास कर रहा है। ओ प्रिय, मुझे लगता है उसने बस्टर को थोड़ा परेशान कर दिया है। बस्टर को थोड़ी जगह चाहिए, पर एश को समझ नहीं आया। ब्रेक के समय बस्टर और स्काउट खेल रहे हैं। ओ बेचारे एश के साथ कोई मित्र नहीं है खेलने को। पर बस्टर और स्काउट के पास एक युक्ति है। एश उनके साथ खेल सकता है, अब वो मित्र है ही। अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। वो अच्छा शॉट था एश। नए मित्र बनाना बहुत अच्छा है।